तो यार आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ में बताऊंगा फंटा चॉइस 12 के लॉन्च डेट के बारे में। एंड साथ ही साथ हम कवर करेंगे फंटा चॉइस 12 का सपोर्ट वीवो के कौन कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। एंड इस अपडेट के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, अपडेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या होगा, फाइज क्या होगी, फीचर्स क्या होंगे, सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो के साथ में। तो यार हो सके तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज मे भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज फिर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे प्रॉक्स 4000 यूजर एक्टिव रहते हैं। तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वीवो के कौन से स्मार्टफोन में कौन सा अपडेट प्रोवाइड हो रहे हैं, एंड आप भी अपने डिवाइस में न्यू अपडेट को ग्रैब कर सकते हो। अब जहां तक रही बात फंटा चॉइस 12 के लॉन्च डेट के बारे में कि ये अपडेट हमारे डिवाइस में कौन सी डेट पे या फिर कौन से मंथ पे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपके डिवाइस में जैसे फंटा चॉइस 11 का सपोर्ट एंड्रॉइड 11 पे देखने को मिला, वैसे आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 पे फंटा चॉइस 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये आपको पता होगा। अब जहां तक रही बात एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में, तो आपको ये भी पता होगा कि एंड्रॉइड 12 का अपडेट फिलहाल बीटा वर्जन में रन करे, एंड अगस्त 2021 की बात पे एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपडेट हमें गूगल पिक्सल डिवाइस में देखने को मिलेगा, एंड फिर उसके बाद अदर ब्रांड लाइक दैट ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, इन सभी स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉइड 12 की बीटा टेस्टिंग कराई जाएगी अपने अपने ओएस पे। जैसे कि वीवो के स्मार्टफोन में हमें फंटा चॉइस 12 पे एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वैसे ही अपने अपने ब्रांड की तरफ से अपने अपने ओएस पे एंड्रॉइड 12 की बीटा टेस्टिंग कराई जाएगी। अब जहां तक रही बात एंड्रॉइड 12 विद फंटा चॉइस 12 के लॉन्च डेट के बारे में, तो फंटा चॉइस 12 का सपोर्ट आपके डिवाइस में सितंबर 2021 पे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगस्त 2021 में एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल वर्जन अवेलेबल हो जाएगा, एंड सितंबर 2021 पे एंड्रॉइड 12 विद फंटा चॉइस 12 के साथ में वीवो के स्मार्टफोन में फंटा चॉइस 12 का सपोर्ट देखने को मिलने लगेगा। अब जहां तक रही बात फंटा चॉइस 12 के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं चाइना में फंटा चॉइस 12 की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड इंडिया में ये अपडेट हमारे डिवाइस में जल्द ही देखने को मिल जाएगा विद इन 1 or 2 months के पहले पहले। अब जहां तक रही बात एंड्रॉइड 12 विद फंटा चॉइस 12 के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, तो एंड्रॉइड 12 के सारे फीचर आपके डिवाइस में प्रोवाइड किए जाएंगे। फीचर आपके डिवाइस में प्रोवाइड होंगे, बट वैसा यूजर इंटरफेस UI देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड 12 का जो होगा स्टॉक एंड्रॉइड सेटअप देखने को मिलेगा। बट आपके डिवाइस में जब फंटच ओएस 12 पे एंड्रॉइड 12 के अपडेट को कस्टमाइज किया जाएगा ना, तो फंटच ओएस जैसा चाहेगा, मतलब वीवो जैसा चाहेगा, उसे अपने हिसाब से उसको ढाल देगा, मतलब अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन फीचर आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 के सारे फीचर देखने को मिलेंगे। अब आपको ये नहीं पता होगा कि एंड्रॉइड 12 के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, तो आप YouTube पे जाकर के सर्च करके देख सकते हो न्यू वीडियो को, एंड्रॉइड 12 के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलते हैं, वो सभी फीचर आपके डिवाइस में फंटा चॉइस 12 एंड्रॉइड 12 के साथ में प्रोवाइड किया जाएगा वीवो की तरफ से। एंड साथ ही साथ फंटा चॉइस 12 के साथ में आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 पे कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वो अपने UI पे बेस्ड होगा, तो आपके डिवाइस में कुछ और भी फीचर देखने को मिलेंगे फंटच ओएस विद एंड्रॉइड 12 के साथ में। अब जहां तक रही बात ये अपडेट हमारे डिवाइस में कौन सी डेट पे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वीवो की तरफ अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये अपडेट हमारे डिवाइस में कौन सी डेट पे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये अपडेट आपके डिवाइस में जहां तक मुझे पता है कि सितंबर 2021 पे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब साथ ही साथ काफी बड़ा डाउट है यूजर के माइंड में कि हमारे डिवाइस में क्या फंटा चॉइस 12 विद एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा डिवाइस लिस्ट बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मे बी आपके डिवाइस में फंटा चॉइस 12 विद एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिवाइस बाय डिवाइस बता रहा हूं, वीवो X60 प्रो, वीवो X60, वीवो X60 प्रो प्लस, वीवो X60T, Vivo X60T Pro Plus, Vivo X50, Vivo X50e, Vivo X50 Lite, Vivo X50 Pro, Vivo X50 Pro Plus, एंड Vivo V सीरीज में Vivo V21 5G, Vivo V21, Vivo V20e, V21e 5G, Vivo V19, V20, V20 Pro, V20 FE, एंड साथ ही साथ Y सीरीज में Vivo Y70, Vivo Y70s, Vivo Y73, Vivo Y70T, एंड Vivo Y52 5G, एंड Vivo Y12F 2021 वाला मॉडल, एंड फिर Vivo Y52F T1, एंड Vivo Y20F, Vivo Y53F, एंड साथ ही साथ हमारा अगला डिवाइस है Vivo Y30, Vivo Y30G, Vivo Y31, Vivo Y31F, Y51A, Y51F, Vivo 51, एंड Vivo S7T, Vivo S7A, F7, F9, F9A,
इन सभी डिवाइसों में भी फनटच ओएस 12 विद एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ कुछ और भी स्मार्टफोन है जिनमें हमें एंड्रॉयड 12 का बीटा बिट रन करा है। जो एनीवे आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके डिवाइस में फनटच ओएस 12 विद एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, एंड आप कौन से यूजर हैं। एंड साथ ही साथ कुछ लीक एंड रूमर्स निकल के आ रहे थे ओरिजिन ओएस के बारे में, तो वीवो के स्मार्टफोन में ओरिजिन ओएस का सपोर्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा, इसमें काफी ज्यादा टाइम है। एंड कुछ ऐसा लीक एंड रूमर्स निकल के आ रहा है कि आईकू का न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है जिसमें हमें आईकू का न्यू ओएस देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड होगा ओरिजिन ओएस पे। एंड साथ ही साथ हमारा फोन अभी फनटच ओएस 11.1 पे रन कर रहा है, हमारे पास है आईकू Z3 5G, उसमें भी हमें फनटच ओएस 11.1 देखने को मिलता है। एंड जल्दी हमारे डिवाइस में एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बताया इस अपडेट के बारे में। एंड जहां तक रही बात अपडेट की फाइल क्या हो सकती है, तो अपडेट एक मेजर अपडेट है, आपको पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिवाइस में बीटा बिट्स प्रोवाइड होंगे, मतलब कुछ लिमिटेड कोटाज के साथ में ये अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा वीवो की तरफ से। एंड इस अपडेट का साइज होगा अप्रॉक्सिमेटली 3.5 GB के आसपास में, जो कि साइज कुछ ज्यादा है क्योंकि अपडेट एक मेजर अपडेट है, आपकी डिवाइस में थोड़ी सी साइज एक्स्ट्रा हो सकती है। अब जहां तक रही बात ये अपडेट आपकी डिवाइस में बीटा बिट के साथ में मिलेगा या फिर ऑफिशियल वर्जन के साथ में, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपडेट आपके डिवाइस में मिलेगा तो आपके डिवाइस में कुछ बग एंड इश्यू, लैगिंग इश्यू, क्रैशिंग इश्यू देखने को मिलेगा क्योंकि आपके फोन का एंड्रॉयड वर्जन चेंज किया जाएगा। सो भाई ऑफकोर्स आपके डिवाइस में कुछ ना कुछ लैगिंग इश्यू देखने को मिलेगा। सो ये शुड बी इन्फॉर्मेशन रही फॉर फनटच ओएस 12 एंड एंड्रॉयड 12 अपडेट रिलेटेड। एंड आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आप वीवो का या फिर आईक्यू का कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो, आपके डिवाइस में फनटच ओएस 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको फुल डिवाइस लिस्ट बता दिया। एंड मैंने आपको जो भी डिवाइस लिस्ट का नेम बताया उन सभी डिवाइसों में भी फनटच ओएस 12 विद एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे वीवो की तरफ अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्म डिवाइस लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इन सभी डिवाइसों में एंड्रॉयड 12 विद फनटच ओएस 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एनीवे दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।